hello everyone my name is alok kumar i have cleared ugc net examination in the paper code 55 of labor welfare and hrm i have cleared this exam twice in the december 2019 and in june 2020 when i began my preparation last year after passing out in july 2019 i was not

हमारा डुअल स्पेशलाइजेशन कोर्स था एच और मार्केटिंग में उसके चलते मुझे परेशानी ये हुई कि जब मैं यू नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने एसेस किया कि फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन जो है लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन से पूछे जाते हैं उसके चलते मुझे परेशानी ये हुई कि मेरा जो है फ़र्स्ट अटैम्प्ट जो मैंने पास करने के साथ ही जून 2019 में दिया था उसमें मेरे 50 परसेंट मार्क्स भी नहीं आ पाए थे 50 परसेंट मार्क्स भी नहीं आ पाए थे उसके बाद जब मैंने अपने से नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया तब धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आगे मेरी स्ट्रैटी क्या रहनी चाहिए बट जब कुछ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बनाए तो उसके बाद मेरा मेरा उसके बाद भी स्कोर जो है मेरा उतना अच्छा आ नहीं रहा था ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था जबकि मैंने अपने तरफ से सारी चीज़ों की पढ़ाई की मगर लेबर लॉज और आई में फिर भी सेटबैक रह रहा था उसके बाद फिर मैंने अपने इंटरनेट से असिस्टेंस लेने की कोशिश की तो मुझे ट्यूटलेज अकेडमी के बारे में पता चला यहाँ पर मैम की वीडियोस मैंने देखी बहुत सारी फ्री मटेरियल भी था कुछ फ्री मॉक्स थे वो दिए मैंने तो उससे मुझे ये अंदाज़ा लगा कि आ, मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा उसके बाद मैं मैम की कोर्स जो है जो ऐप है ट्यूटलेज एकेडमी की वहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ और लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस जो उनकी होती है वो वीडियो क्लासेस मैंने वीडियो लेक्चर्स उनका फ़ॉलो करना स्टार्ट किया उससे मुझे मैं, मैंने अपने से जो प्रिपरेशन की थी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मुझे कोर्स में पता चली और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने अलग से मुझे प्रोवाइड करवाया साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज़ है मैम का मैम मैम ने जो फ्रेम करवाया है उसके बाद ट्यूटलेज एकेडमी के ऐप पर जो मॉक टेस्ट सीरीज़ जो प्रोवाइड किया जाता है उसका जो स्ट्रक्चर है जो तरीका है जिस तरह से जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छा है उसमें जो अससमेंट आप करते हो वो एकदम <coughs> रियल टाइम असेसमेंट होता है <coughs> वहाँ पर आपको सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं कितना टाइम में आप मॉक दिए किस एग्जाम किस क्वेश्चन पर आपने कितना टाइम स्पेंड किया <coughs> तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही वो तो एक पक्ष है उसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट जो हमें आ, मिलता है उस ऐप में वो है कि क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है जैसा कि आप जानते हैं या फिर आपको मैं बता देता हूँ कि यू नेट में आज के टाइम पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं कॉन्सेप्चुअल जैसे कि मैच द फॉलोइंग है तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि, कि किस आ, किस एक्ट में रिकवरी ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है किस एक्ट में लेबर कमिश्नर का रोल है किस एक्ट में जो है पीएफ कमिश्नर का रोल वो तो ऑफकोर्स ही बात है कि पीएफ एक्ट में पीएफ कमिश्नर का ही रोल होगा तो इस तरह की चीज़ें हैं ऑथरिटीज के बारे में या फिर आपका जो हो गया कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आजकल इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जैसे कॉन्वेन्शन्स हैं आई के तो कॉन्वेंशन्स का जो सीरियल किस ईयर में सबसे पहले कौन सा कॉन्वेंशन आया तो ये ऐसा है कि हाँ ये रटने वाली चीज़ें हैं कि हाँ आपको इन्हें याद करना पड़ेगा मेमोराइज़ करना पड़ेगा मगर वहीं अगर आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाया दिया जाता है या फिर मॉक टेस्ट में आप बार बार उस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं तो उससे आपको क्या होता है कि आप कन्वर्जेंट हो जाते हैं उस चीज़ से और आपका जो उस तरह के भी क्वेश्चंस जो है जो कि बाकी स्टूडेंट नया कोई स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर सकता है वो वो क्वेश्चंस भी जो है आप का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है उस क्वेश्चन को भी अटैम्प करना और सही अटैम्प करने की जो है वहाँ पर जब आप जब आप रियल में जो है एग्ज़ाम दे रहे हो तब आपका उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि उसमें आपका करेक्शन जो है वो ज़्यादा सही रहे ये एक और मैटर मैंने आपको बताया बाकी मैं बताता बताना चाहूँगा कि जो क्वालिटी है आज के टाइम पे जो यू जी सी नेट जो हमसे डिमांड कर रहा है कि किस तरह की क्वालिटी आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए तो उसके हिसाब से अगर आप ट्यूटलेज एकेडमी को कंपैरिजन करते हैं किसी और प्लेटफॉर्म से तो उस फील्ड में भी ट्यूटलेज एकेडमी बहुत अच्छी तरह से एक्सेल करता है मैम ने जो वीडियोज़ बनाए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं साथ ही साथ हमारा जो आ, जो हमारा जो आई आर हो गया लेबर लॉज हो गया उसके अलावा जो भी एच आर एंड ओ बी के कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतरीन हैं इसके अलावा यू जी सी नेट के अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों में ये भी होता है कि पी एस यूज़ में जाने का क्रेज़ है आज के टाइम पर पर्सनल एंड एच आर में भी वैकेंसीज़ निकलती हैं अभी कुछ दिन से थोड़ी थोड़ी कम वैकेंसीज निकल रही है मगर आने वाले टाइम में और वैकेंसीज़ आने की उम्मीद है तो ये जब आप यू नेट का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो इसके जो लेवल की जो प्रिपरेशन है इसमें क्या है कि आप हर तरह हर जगह से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हंड्रेड परसेंट सिलेबस को आप जब तक कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो यूजीसी नेट में आपका अच्छा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी कम है तो यू जी सी नेट में आपको ये चाहिए कि हर जगह से प्रिपरेशन करना है वो जरूरी है वो थारो प्रिपरेशन जो जरूरी है यूजीसी नेट के लिए बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लिए वो इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लिए यूजीसी नेट में ये नहीं चलता है यू नेट में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर में एक आउट वर्कर का डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ दिया गया था तो आ, आपको उन के बारे में भी जो है सही तरह से आपको पता होनी चाहिए तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बट उसके अलावा जब आप किसी और पी एग्ज़ाम्स के लिए पर्सनल के लिए आप जा रहे हैं तो पर्सनल में भी जो है क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो यू नेट के लेवल के क्वेश्चन से थोड़ा कम ही रहता है उनका लेवल कुछ क्वेश्चन टफ वो भी दे सकते हैं मगर अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर लिए हैं तो फिर आपका पीएससी के एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है मगर जहाँ तक मैं कह, कहना चाहूँगा कि आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ते रहिए पी एस की तैयारी भी आपकी हो जाएगी जो आपका अपना कोर सब्जेक्ट है एच और पर्सनल का उसका भी उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को कि ट्यूटलेज अकेडमी एक बेहतरीन ऐप है और उस पर आप अपने आप को एसेस कीजिए और रिजनेबल प्राइस में है सारी कोर्सेस और उससे मुझे फ़ायदा हुआ और मैंने दो बार जो है नेट क्वालिफ़ाई किया है एक दिसंबर 2019 में और एक जून 2020 में मेरा नेट क्वालीफाई हुआ है दैट इज़ ऑल दैट आई वांट टू से थैंक यू